तेरे पास घर नहीं था, तेरा कोई नहीं था, तेरे पास कोई काम नहीं था, तू सड़क पे तू रह रहा था। इसीलिए इंसानियत के नाते मैंने तुझे मेरे घर पे रहने के लिए मैंने तुझे जगह दी, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो मुझे चीट किया। तूने किसी लड़की को तेरे प्यार के जाल में तूने फंसाया, और उसको तूने क्या बताया कि तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? ये घर तेरा? सच में? तुझे पता है क्या, वो लड़की आई थी जिसे तूने तेरे प्यार के जाल में तूने फंसाया, दोपहर में आई थी वो लड़की यहां पे, और तब मैं घर पे में था और तू पता नहीं कहाँ गया था। वो लड़की ने मुझे सब बताया। वो लड़की ने बताया कि तू उसे बहुत प्यार करता है, जल्द ही तुम लोग शादी करने वाले हो, और तुम लोग शादी तब करने वाले हो जब वो लड़की तुझे 25 लाख देगी। और वो 25 लाख क्यों देगी? क्योंकि तेरा बिजनेस पूरा लॉस में चल रहा है, और वो बिजनेस सेट करने के लिए तुझे 25 लाख की जरूरत है, और वो 25 लाख जब देगी वो लड़की, तब तेरा बिजनेस सेट हो जाएगा और फिर तुम लोग दोनों शादी कर लोगे। ऐसा तूने उस लड़की को बोला ना? कौन सा बिजनेस है तेरा? हाँ बता मुझे, कौन सा बिजनेस है तेरा? तू तो सड़क पे रह रहा था ना, कौन सा बिजनेस कौन सा तेरा? शर्म नहीं आती तुझे? किसी लड़की के इमोशन के साथ खेलने में तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? देख तू गरीब है ना, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरी ये जो सोच है ना, ये बहुत ज्यादा गंदी है। मुझे लगा था तू बहुत ही अच्छा इंसान है, गरीब है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो लगता है तूने जानबूझकर तूने टारगेट तूने किया। तुझे पता था शायद मैं बहुत, मैं अच्छा, मैं इंसान हूं, लोगों की मैं मदद करता हूं, इसीलिए शायद तूने पूरा प्लानिंग करके मेरे तू सामने तो आया, और तुझे पता था कि मैं तेरी हालत देखकर मैं तुझे अपने घर में रहने के लिए मैं मदद में करूंगा। तुझे पता है अभी अगली बार से ना, अगर कोई भी, अगर सड़क पे अगर कोई गरीब अगर इंसान अगर होगा ना, तो उसकी अगर मुझे अगर मदद अगर करनी है ना, तो मैं 10 बार मैं सोचूंगा पहले, और उसके बाद मैं मदद करूंगा। क्यों पता है? तेरे वजह से, क्योंकि तूने मुझे चीट किया। तेरे जैसे लोगों के वजह से, तुझे पता है क्या, जो रास्ते पे जो लोग जो रहते हैं ना, उनका भी नाम खराब हो जाता है। सभी वैसे नहीं होते है। कुछ लोग तेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके वजह से जो रास्ते पे जो लोग जो रहते हैं उन सब का नाम खराब हो जाता है, सबका। तेरे से मुझे ये उम्मीद थी नहीं, और तूने उसे महंगे महंगे तूने उसे गिफ्ट दिए। हाँ कैसे? तूने मेरे लॉकर से पैसे चुरा कर तू उस लड़की को तू गिफ्ट दे रहा था। देख तू अगर सच्चा, अगर तू प्यार अगर करता ना, तो मैं तुझे मैं सपोर्ट में करता, लेकिन तूने ये सब प्यार के लिए नहीं किया, तूने सिर्फ उस लड़की के पैसों के लिए तूने ये सब किया। जानबूझ के तूने सोच समझ के तूने उसे प्यार के जाल में तूने फंसा लिया तेरे ना। आइंदा से उस लड़की के सामने तू जाना भी मत, समझा ना? और वैसे भी मैंने उस लड़की को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, तू कौन है, कहां से आया है, सब कुछ। तू कोई बिजनेसमैन वगैरह नहीं है, सिर्फ तू मेरे घर पे रह रहा है, सब कुछ मैंने उसे बता दिया। अब वो तेरे से भी कभी नहीं भी मिलेगी, समझा? शायद वो लड़की बाकी के लड़कों से भी शायद अभी वो नफरत करेगी तेरे वजह से, क्योंकि तूने उसे ऐसा धोखा दिया है, ऐसा चीट किया है, तूने उसके इमोशन का ऐसा फायदा लिया है कि वो कभी भी भूलेगी नहीं। क्या 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 तुझे क्या लगता है? मैंने पुलिस को मैंने बुलाया, मैं
मैं पुलिस से मैं तुझे मैं पकड़ाऊंगा। अगर मुझे पुलिस को अगर बुलाना होता ना, तो मैं तेरे से ही मैं बात नहीं करता, सीधा मैं पुलिस को मैं फोन करता और उनको मैं बोलता कि तुझे जेल में डाल दे। लेकिन मैं इतना भी मैं बुरा इंसान नहीं हूं, समझा ना। जा निकल तू यहां से, तू यहां पे रहने के लायक नहीं है, निकल। तेरा जो भी सामान है वो ले और जा। एक्चुअली तेरा कोई सामान तो वैसे है नहीं, सब कुछ मैंने ही तुझे दिया है, कपड़ा सब कुछ। जा, तेरा जो भी है लेके जा, मतलब मैंने जो भी तुझे अब तक जो भी दिया है, जा वो सब लेके जा। और आइंदा से कभी भी प्लीज मेरे सामने मत आ, तूने बहुत हर्ट किया है।